Sam, what are you seeing down there? Oh my God. Sam! क्या हालचाल, सत श्री अकाल दोस्तों। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हॉलीवुड की टॉप 10 जबरदस्त एक्शन मूवीज लेके आया हूँ, जो सारी की सारी हिंदी में डब्ड हैं और एयरटेल एक्सट्रीम पे अवेलेबल हैं देखने के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दिखाना। तो नंबर 10 पे है 2010 की हॉरर थ्रिलर विद IMDb 5.4 के साथ में पिराना 3D। कैसे एक अर्थक्वेक से एक लेक की फ्लोर अलग हो जाती है, जिसमें से कुछ एंशियंट पिराना की डेडली स्पीशीज रिलीज हो जाती हैं, और फिर कैसे कुछ स्ट्रेंजर्स का ग्रुप मिलके इन पिरानास का आंतक रोकते हैं। नंबर 9 पे है 2017 की हॉरर मिस्ट्री विद IMDb 5.8 के साथ में जिग्सो। कैसे एक सीरियल किलर जिग्सो के मरने के 10 साल बाद भी सिटी में बहुत सी किलिंग होती रहती हैं, और कैसे पुलिस इन किलिंग्स की इन्वेस्टिगेशन करने में उस किलर से हर बार पीछे रह जाती है। तो नंबर 8 पे है 2019 की जबरदस्त एक्शन थ्रिलर विद IMDb 6.1 के साथ में रैम्बो लास्ट ब्लड। कैसे जॉन रैम्बो की पीसफुल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है जब उसके दोस्त की ग्रैंड डॉटर मैक्सिको में एक ड्रग कार्टल के हाथों किडनैप हो जाती है, और कैसे उसको बचाने के लिए रैम्बो फिर ड्रग कार्टल से अकेला ही भिड़ जाता है। तो नंबर 7 पे है 2018 की एक्शन थ्रिलर विद IMDb 6.1 के साथ में माइल 22। कैसे एक इन्फॉर्मेंट जिसके पास कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, उसको कंट्री से सेफली निकालने के लिए एक अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर जेम्स सिल्वा को अपनी जान की बाजी लगा देनी पड़ती है अपने टास्क को पूरा करने के लिए। तो नंबर 6 पे है 2007 की साइफाई एक्शन विद IMDb 6.2 के साथ में नेक्स्ट। कैसे एक लॉस वेगस के मैजिशियन के पास फ्यूचर में देखने की एबिलिटी होती है, और कैसे FBI उसकी एबिलिटी की मदद से एक टेररिस्ट अटैक को रोकने का मिशन प्लान करती है। तो नंबर 5 पे है 2019 की एक्शन थ्रिलर विद IMDb 6.4 के साथ में एंजल हैज फॉलन। कैसे माइक बैनिंग, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का रक्षक होता है, उस पे प्रेसिडेंट पे अटैक करने का झूठा इल्जाम लग जाता है, और फिर कैसे माइक अपनी पूरी ताकत लगा देता है अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए। See. He knows all our tricks. We've been getting desperate. Who else behind us? It wasn't. President's not safe. No. Prove who did this. Did you find me? Dad. I am us batting. Don't worry about finding me. I'll find you. तो नंबर 4 पे है 2011 की एक्शन थ्रिलर विद IMDb 6.4 के साथ में किलर एलीट। कैसे डैनी, जो एक रिटायर्ड असैसिन होता है, उसको पता चलता है कि उसके गुरु को एक शेख के आदमियों ने किडनैप कर लिया है,
और फिर कैसे डैनी अपने गुरु को बचाने के लिए 3 स्पेशल एयर सर्विस ट्रूपर्स को मारने का काम अपने हाथ में लेता है। तो नंबर 3 पे है 2013 की एक्शन थ्रिलर विद IMDb 6.7 के साथ में एस्केप प्लान। कैसे एक सिक्योरिटी सिस्टम के एक्सपर्ट जे को एक झूठा इल्जाम लगा के एक हाई टेक प्रिजन में बंद कर दिया जाता है और फिर कैसे जे एक पुराने कैदी और अपने एक्सपीरियंस के साथ उस जेल से फरार होने का प्लान बनाता है। I need a diversion. Fair enough. I'll be here. I'm gonna burn this place to the ground. तो नंबर 2 पे है 2013 की थ्रिलर मिस्ट्री विद IMDb 7.3 के साथ में नाउ यू सी मी। कैसे एक मैजिक परफॉर्मेंस के समय 4 मैजिशियन एक बैंक की चोरी को अंजाम देते हैं और फिर कैसे एक FBI एजेंट और एक इंटरपोल डिटेक्टिव उन चारों को ट्रैक करना शुरू करते हैं और कैसे ये एक चूहे बिल्ली का खेल बन जाता है। This grand trick is really because the closer, the less you'll actually see. तो फाइनली नंबर 1 पे भाई साहब क्या मूवी है 2014 की जबरदस्त एक्शन थ्रिलर विद IMDb 7.4 के साथ में जॉन विक। कैसे एक लेजेंडरी रिटायर्ड असैसिन अपनी वाइफ की मौत के बाद एक पीसफुल लाइफ जी रहा होता है और फिर कैसे कुछ गैंगस्टर जॉन के कुत्ते को मार देते हैं और उसकी कार चोरी कर लेते हैं और फिर कैसे जॉन एक बार फिर से वही पुराना किलर बन जाता है अपना बदला लेने के लिए। तो इस टॉप 10 काउंटडाउन में से आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करके अपना प्यार जरूर दिखाना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही हॉलीवुड की जबरदस्त टॉप 10 काउंटडाउन में। तब तक के लिए मूवी देखो और एंजॉय करो।